YouTube पे नए हो और स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए आपके अभी तक, या 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, 150 सब्सक्राइबर हुए हैं, 400 सब्सक्राइबर हुए हैं, मैं आज आपको एक ऐसा रियल मेथड बताने वाला हूं जिसे विद इन 15 डेज के अंदर अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर में मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं आपके 1000 सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए 15 दिन तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कमिटमेंट करते हो कि 15 दिन तक आप काम करने के लिए तैयार हो, जो मेथड मैं बताऊंगा उसको करने को तैयार हो ना, 15 दिन बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। तो कैसे होंगे, क्या प्रोसेस होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आपको मेरे बताए गए मेथड पसंद आता है ना, तो बॉस अपनी तरफ से वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और आप चाहते हो यूट्यूब से रिलेटेड मैं और भी बहुत सारे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए उपलब्ध है। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप यूट्यूब से रिलेटेड, अगर यूट्यूब पे काम करना चाहते हो तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए। अभी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, फर्स्ट जो 1000 सब्सक्राइबर है वो कैसे गेन करें, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उस ट्रिक को आप अपनाओगे ना तो डेफिनेटली आपको किसी यूजर को ये नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी बॉस कि आप मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, आपका चैनल वो बंदा खुद प्रमोट करेगा। प्रमोट करने के लिए वो खुद बोलेगा कि ठीक है मैं कर देता हूं, क्या करना पड़ेगा। लेकिन देखिए हमेशा गिव एंड टेक, मतलब दोगे तो मिलेगा, अभी दोगे तो मिलेगा ना, ये क्या पॉलिसी है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं यहां पे। आप जो छोटे छोटे यूट्यूबर है ना, मतलब छोटे छोटे के बात, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, आप बहुत बड़े यूट्यूब से कॉन्टेक्ट करोगे ना तो शायद उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा आपका, लेकिन जिनके 5000 सब्सक्राइबर हैं, 10000 सब्सक्राइबर, जैसे मैं 20000 सब्सक्राइबर, 25000 सब्सक्राइबर, 15000 सब्सक्राइबर, मतलब ऑलमोस्ट 25000 से नीचे नीचे या 25-30-50000 से नीचे नीचे वाले लोगों को आप मेल करो, एक पर्टिकुलर मेल बना लो, उस मेल में क्या लिखना है आपको, आप चाहोगे तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्टिकुलर मेथड भी दे दूंगा। मेल में बेसिकली ये लिखना है सर मैं आपके सभी वीडियोस को देखता हूं, मैं आपका बहुत सारे आपके वीडियोस को फॉलो करता हूं वगैरह वगैरह, ताकि वो सामने वाला बंदा जब आपका मेल पढ़े तो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनने के लिए पूरा पूरा तैयार है। उस मेल में आपको क्या लिखना है, आपको क्या काम करना है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। आपको पूरा एक मेल बनाना है, मेल में इतना सर मेरा ये ऐसे ऐसे चैनल है और मैं आपके चैनल को देखता हूँ, आपके मेरे सारे वीडियोस को देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ, पसंद भी करता हूँ, कुछ वीडियो पे मैंने कमेंट्स भी किए हैं, ऐसे वैसे थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में उस सामने वाले बंदे की तारीफ आपको करनी पड़ेगी, बॉस करना पड़ेगा, ये मैं एक रियल में बता रहा हूं, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम हमारा चैनल प्रमोट कर दो, वो खुद प्रमोट करेगा। कैसे, चलिए बता देता हूं। आपको ये लिखना है कि सर मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूं वगैरह वगैरह, सारी चीजें लिख दोगे। उसके बाद आपको ये लिखना है कि सर मैं एक बायोग्राफी बनाना चाहता हूं मेरे चैनल पे, इससे क्या होगा आपके चैनल के 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है ना मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको बायोग्राफी बनानी है 3 से 4 मिनट की, मैक्सिमम 5 मिनट की। अब बायोग्राफी में क्या करना है, उस बंदे को कॉन्टेक्ट करना है। आप दिन में 10 जनों को कॉन्टेक्ट करोगे ना बॉस, श्योरिटी के साथ कहता हूं 2 लोगों के मैसेज आपके पास, कम से कम 2-3 लोगों के मैसेज आ जाएंगे बॉस। 2 लोगों को 10 में से 2-3 लोगों के मैसेज आ गए ना, 20-30% आ गया आपका काम, लोग 1% पे काम करने को तैयार है, आपके पास 20-30% आ गया। अब आपको क्या करना है, उन लोगों से उनकी डिटेल लेनी है, जैसे कि जैसे मैं अपना ले लूं तो मेरा नाम होगा नितेश अग्रवाल, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, कब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरा, कैसे मैं यूट्यूब पे आई, थोड़ी सी जानकारी उससे ले लेनी है बंदे से, और उसकी एक बायोग्राफी बनानी है आपको, और बायोग्राफी को आपको अपने चैनल पे डालनी है। अब आप बोलोगे यार ये तो इससे मेरे को क्या फायदा होगा, बॉस आपको फायदा होगा ना, आप बायोग्राफी बनाओगे उसके बाद उस बंदे को दोबारा मेल करना कि सर मैंने ये बायोग्राफी बनाई है, अगर आपको पसंद आए ना तो आप अपने कम्युनिटी टैब में या अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे इसे शेयर कर देना। बॉस अगर आपने कुछ अच्छा कंटेंट बनाया होगा ना, आप 10 जनों के बना करके शेयर करोगे ना, 10 में से मैं गारंटी देता हूं अच्छा भी बनाओगे एवरेज भी बनाओगे ना, 8 जने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उस बायोग्राफी को जरूर से शेयर करेंगे। फेम किसको अच्छी नहीं लगती बॉस, तो आपको क्या करना है, डेली कम से कम मैं तो 15 दिन तक 2 लोगों की बायोग्राफी डेली बनानी है। बायोग्राफी बनाने में कुछ नहीं लगेगा आपको, अगर हैंडमेड जो राइटिंग वाला जो होता है टूल आता है या सॉफ्टवेयर आता है उससे बनाना चाहते हो उससे बना लो, नहीं तो छोटे मोटे इमेज लगाओ, 4-5 लगाओ अपने हिसाब से, थोड़ा सा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन अच्छे से वीडियो करने की कोशिश करना, एडिटेबिलिटी नॉर्मल सा भी करोगे ना चलेगा। बस इतना बताओ कि बंदा यहां से बिलोंग करता है, इस टाइम से यूट्यूब स्टार्ट किया था, ऐसे ही यूट्यूब पे आया था, इतने रुपए यूट्यूब की कमा रहा है, ये छोटा मोटा सारी चीजें आप बता दोगे ना, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, चाहे वो यूट्यूब के कम्युनिटी पेज में हो, चाहे वो टेलीग्राम के पेज पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पेज पे हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, या कहीं ना कहीं वो शेयर करेगा
उससे रीच मिलेगी आप आपके जो 4,000 घंटे का वॉच टाइम है ना और धीरे धीरे सब्सक्राइब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 15 दिन तक केवल और केवल बायोग्राफी वाले ही वीडियो डालने हैं, बॉस आपको टाइम देना पड़ेगा। बीच बीच में आप चाहें तो अपना कुछ कंटेंट भी डाल सकते हैं ताकि जिन लोगों ने उनकी बायोग्राफी देखी हो उनके पास सजेस्टेड वीडियोज में आपके वीडियो भी ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे बताए गए मेथड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर उसे मुझे बताइएगा। अगर आपको और भी कोई ऑफ मतलब टिप्स चाहिए यूट्यूब के रिगार्डिंग या कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको देता रहूंगा ऐसे ही ऑफर्स एंड अपडेट्स की जानकारी। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं भी दूंगा आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।